वंदेमातरम दोस्तों, वापसी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कोशिश रहती है एडल्ट्रेशन को हटाने की। भारत को समृद्ध बनाना है तो हर क्षेत्र में से मिलावट को हटाना होगा, और इसके अंदर जो एक क्षेत्र है जिसमें भयंकर मिलावट इस वक्त चल रही है, वो है धर्म का क्षेत्र। हम सभी हिंदू हैं, हमारे घर के अंदर हिंदू संस्कृति के अनुसार पूजन पाठ अनुष्ठान रखे जाते हैं, लेकिन इस वक्त धर्म का इतना पतन है कि हम अपने घर में पंडित जी को बुलाते हुए भी डरते हैं। एक औपचारिकताएं हैं जो हमारे घर के अंदर शुरू हो गई। दीपावली पूजन करना है, हमें नहीं आता तो पंडित जी को भी नहीं बुलाते। इसलिए नहीं बुलाते कि पंडित जी आएंगे तो दक्षिणा तो लेंगे बहुत ज्यादा और करेंगे केवल औपचारिक काम। अगर कोई पूजा करवा रहे होंगे तो पूजा कराते कराते बीच के अंदर मोबाइल उठाएंगे और दूसरों के साथ में बातें शुरू कर देंगे। पूजा के अंदर मंत्र कहां बीच में गया किसी को नहीं पता। तो धर्म और संस्कृति का हनन हो रहा है, जिसको वापसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जितनी चीजों के अंदर मिलावट हो रही है, जो हवन सामग्रियों में और जो पूजन में इस्तेमाल हो रही है, उनकी मिलावट को रोकने का काम वापसी कर रही है। और आपके आशीर्वाद से आज 80% तक पूजन के अंदर इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को हम शुद्ध करने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब चीजों के अंदर जितनी भी हवन सामग्री में जो पूजन के लिए सामग्रियां इस्तेमाल हो रही थी, उनकी मिलावट को कम करने के बाद में हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका हमेशा से आशीर्वाद रहा है। तो धर्म और संस्कृति के पतन को रोकने के लिए, उसके उत्थान के लिए हम इस व्यवस्था को ही थोड़ा बदलना चाहते हैं। वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अगर पंडित जी कभी आते थे तो अपने मुंह से कभी दक्षिणा नहीं बताते थे। तरीका तो यही होना चाहिए कि हमारे घर में जब भी कोई अनुष्ठान हो, जब भी कोई यज्ञ हो, जब भी कोई हवन हो, जब भी कोई पूजा हो, उसके दौरान जब पंडित जी आए तो पहली शर्त है कि पंडित जी को पांडित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, कम से कम जो अनुष्ठान वो करने आए हैं उसका पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो पहली चीज ये है कि हमारे घर के अंदर पंडित जी ना आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो अनुष्ठानों के लिए हम तो सारा ज्ञान एक रात में प्राप्त नहीं कर सकते, तो पंडित जी को तो लेकर आना है, लेकिन जो अंदर एक तरह की विकार आ गया है हमारी संस्कृति में उसको हटाना है। तो पहली शर्त ये है, जो भी पंडित जी हमारे घर में आएंगे उनको ज्ञान होना चाहिए पर्याप्त रूप से। दूसरी बात, जब वो आते हैं तो अनुष्ठान को औपचारिकता से ना करवाएं। हमारे घर में बच्चे हैं, आजकल ये भी नहीं पता होता कि हवन हो गया पूरा और पूजन जो है कंप्लीट हो गई और उसका ज्ञान नहीं, बच्चों को ये तक नहीं पता होता ये पूजन किस उपलक्ष्य में हुई है और किनके लिए की गई है। तो पूजन का हनन है, तो पंडित जी आए तो केवल औपचारिकताएं ना करें, जब आए हैं तो अपना प्रभाव छोड़कर जाए परिवार पे, बताकर जाए कि ये पूजन किस लिए किया गया, अनुष्ठान किस लिए किया गया, ताकि घर में हमारे बच्चों का धार्मिक उत्थान हो, सांस्कृतिक उत्थान हो। इसके बाद में जो हमने तीसरी चीज बताई कि पंडित जी को अपने मुंह से दक्षिणा कभी नहीं बोलनी चाहिए। पंडित जी का काम है केवल अनुष्ठान पे फोकस रखना और दक्षिणा की चिंता ना करना। और जो जजमान है जिनके घर के अंदर उन्होंने पूजन किया, उनका ये फर्ज बनता है कि ऐसी दक्षिणा देना जिससे पंडित जी की जीविका आराम से चलती रहे, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अगर ये सामंजस्य आज हम बिठाने के लिए तैयार हो जाएं, तो भारत के अंदर जो भारत की असली उज्जवल संस्कृति है उसको हम दोबारा पुनर्जीवित भी कर पाएंगे और आगे बढ़ा भी पाएंगे। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, इसके लिए समर्थन देने के लिए आज हमारे साथ में हैं पंडित सुमित शर्मा जी। आपने जो है वीडियो के अंदर देखा भी होगा, अभी हमने 2 वीडियोस बनाई थी जिसमें पंडित सुमित शर्मा जी हमारे साथ में प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। हमारे जितने भी स्तोत्र हैं, जो देवी स्तोत्र हैं, भगवान को पूजने के स्तोत्र हैं, उनकी परिभाषा, उनका व्याख्यान, उसके अंदर व्याख्या समझना कि संस्कृत का एक्चुअल अर्थ क्या है, ताकि बच्चों को हम सही पढ़ा पाए, उस प्रोजेक्ट पे सुमित जी हमारे साथ काम कर रहे थे। आज इनके साथ वार्तालाप हुई, जब इस बारे में बात हुई तो इन्होंने कहा कि हाँ, इस कार्य को मैं अपने हाथों में लेना चाहूंगा। उनके साथ में आप देख रहे हैं ध्रुव जी है। ध्रुव जी कितनी उम्र है आपकी? 21 ईयर्स है। तो 21 साल के, थोड़ा तेज बोलना है क्योंकि कैमरे के अंदर हमारी माइक नहीं है, तो 21 साल की उम्र है ध्रुव जी की। तो सुमित शर्मा जी ने, पंडित सुमित शर्मा जी जो हैं, इनके पास में ज्ञान है, ये कथावाचक रहे हैं, कर्मकांड का पूर्ण रूप से ज्ञान है, और उसके बाद में शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। संस्कृत, गणित, विज्ञान, जो मॉडर्न साइंस है उसको पढ़ाते पढ़ाते ये अपनी धर्म संस्कृति को आगे लेकर चल रहे हैं। तो आज हमने पंडित सुमित शर्मा जी से ये निवेदन किया था कि क्यों ना हम 20-21-22 साल के वो बच्चे जो संस्कृत पढ़ सकते हैं या जिन्हें संस्कृत का थोड़ा ज्ञान है, क्यों ना हम उनको डेवलप करें, वो घरों में जाएं और जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो उनके पास पांडित्य का ज्ञान होना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए, उस तरह धार्मिक अनुष्ठान अगर आप सभी के घरों में हम करने लग जाएं तो ये बहुत अच्छी संस्कृति है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो पंडित जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपने जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो है हाँ भरी, और आज ध्रुव जी भी जैसे हमारे साथ में आए हैं,
तो आपको क्या लगता है कि जो ये हमने एक चीज सोची है, आपको सही में लगता है कि ये धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से हम सभी के लिए मंगलमय हो सकती है? जी वरुण जी, सबसे पहले आपके सहित आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जय श्री राम। ये हम सभी भारत के निवासी हैं और भारत की संस्कृति को, सभ्यता को बचाने के लिए हमें सबको एकल होकर प्रयास करना चाहिए। उसी प्रयास में आपने जो ये प्रारंभ किया है, इसमें हम अपना पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं और ये भी अपेक्षा करेंगे कि समाज के लोग भी इसमें बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग करें, आपका सहयोग करें। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि ताली दोनों हाथों से ही बजती है, तो अगर हम दो कदम चलें तो कम से कम आप एक कदम तो चलें, ताकि हम भी आगे बढ़कर आपका हाथ खींच सकें। और समाज में संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करने के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आप लोगों को भी प्रयास करना होगा जानने का। अगर साधारण जनता के बीच जानने की, जिसे हम कहते हैं संस्कृत में एक शब्द आता है जिज्ञासा, जी अगर जिज्ञासा ही शांत हो गई तो उसका फायदा जो है वो अनैतिक असामाजिक तत्व उठाते हैं और वो संस्कृति के नाम पर असंस्कृति, सभ्यता के नाम पर असभ्यता की ओर ले जाते हैं और वही एक दिन फिर पाखंड का रूप ले लेता है। तो उससे भी हमें बचना है और समाज में संस्कृति और सभ्यता को यथावत रूप में हम स्थापित कर सकें, इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। बाकी शेष जनता के ऊपर इस चीज को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी चीज है जो पंडित जी ने बताई और जैसा मैंने बताया, हमारी कोशिश अब अगली ये है कि जितने बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको बताया जाए कि भैया संस्कृत, अपनी मूल भाषा का ज्ञान प्राप्त करो। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम कहीं जाकर किसी भी डिलीवरी सर्विसेज के अंदर 10,000 रुपए महीना कमा ले और उससे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा? पांडित्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, धर्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और धार्मिक अनुष्ठानों के थ्रू भी जो है ऐसे बच्चों को हम सही दिशा दिखा पाएंगे। इसी मेन लक्ष्य के साथ भारत की मूलभूत समस्या जो एक रोजगार की है उसको हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रोजगार मांगने की बजाय खुद सशक्त बने और इस तरह के कोई कार्य जो है करें जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी धार्मिक उत्थान जो है वो हो सके। बिल्कुल। तो इसमें पंडित जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे पूरे साल का होता है, अभी तो हमारे घर के अंदर बहुत पहले तो बहुत पूजा पाठ होते थे, बहुत अनुष्ठान होते थे, आज की संस्कृति में 2021 में जब आप देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि पूरे साल के अंदर जो भी हमारे जजमान है उनको कौन सी ऐसी मूलभूत है जो ऐसे यज्ञ होने चाहिए या ऐसी पूजा होनी चाहिए जिनका ज्ञान उनके बच्चों को जरूर होना चाहिए और पूरे साल में कम से कम ऐसे अनुष्ठान तो जरूर करवाने चाहिए? बिल्कुल वरुण जी, मैं सहमत हूँ आपसे। सनातन धर्म में शास्त्र सम्मत जो पद्धति है उसमें हमारे यहाँ दो प्रकार के कर्मकांडों को बताया गया है, एक होते हैं देव कार्य और एक होते हैं पितृ कार्य, और इन दोनों के अंदर ही दोनों को ही हमें संपन्न करने के लिए पूरे वर्ष में प्रचुर मात्रा में समय उपलब्ध होते हैं, पर्व उपलब्ध होते हैं। जैसे हम देव कार्य को लें, देव कार्य के लिए हम लगभग हर महीने में, अब जैसे आप मान के चले साल का प्रारंभ हुआ चैत्र के मास से, तो सबसे पहले हमें नवरात्रि मिलता है, नवरात्रि विराम होती है, रामनवमी आ जाती है, पूर्णिमा होती है, हनुमान जयंती आ जाती है, इसके बाद अगर हम आगे चले तो वैशाख का महीना आ जाता है, फिर ज्येष्ठ का मास आता है, अब जैसे आषाढ़ का महीना चल रहा है जी, तो इसमें गुरु पूर्णिमा है, गुप्त नवरात्रि अभी भी चली रही है जी, जी जो विराम की ओर जाने वाली है। अब इसके पश्चात फिर हमारा चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास में हमारे शास्त्रों में जो है बहुत सी चीजों को खाने ना खाने का विधान है, हमारे स्वस्थ रहने के लिए। संस्कृत का ज्ञान ना होने से और शास्त्रों को सम्यक रूप से ना पढ़ पाने से साधारण जनता इससे दूर हो गई है। तो जो आपने अभी कहा कि हमें समाज में से मिलावट हटानी है, तो अगर हम सही रूप में अपनी इस बात को रख दें और संस्कृत हर व्यक्ति जानने लग जाए तो ये बहुत हद तक समस्या ये भी दूर हो सकती है। तत्पश्चात हम आगे चलते हैं तो चातुर्मास जब खत्म होता है तो पुनः नवरात्रि आती है, दशहरा आता है और बीच में ही श्राद्ध पक्ष आ जाता है। बिल्कुल। जिसे हम पितृ कार्य से जोड़ते हैं। वैसे तो पितृ कार्य के लिए हर मास की अमावस्या भी निश्चित की गई है। बिल्कुल। और जिस तिथि पर हमारे पूर्वजों की, हमारे पुण्य लोगों की, जो पूज्य लोग हैं उनका देहांत हुआ था, उस तिथि पर भी वार्षिक श्राद्ध किया जाता है और नहीं तो अमावस्या और उसके बाद पितृपक्ष। बिल्कुल। और माघ का महीना जो आता है लगभग जनवरी फरवरी में, वो भी इस कार्य के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। और फिर एकादशियां और हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा। बिल्कुल। तो इसमें से हम जिस जिस में अपना रुझान, अपना इंटरेस्ट देखें तो उसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। और इसमें अगर समाज, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर संस्कृत से परिचित हो गया तो जो समाज में पाखंड की और गुणों के सम्मिश्रण की, उसमें अवगुण जो आकर मिल गए,
वो संस्कृत बहुत हद तक हटा देगी, क्योंकि वो लोग जानने लग जाएंगे कि हो क्या रहा है, लिखा क्या है, किया क्या जा रहा है। सही बात। दिक्कत जो है वो सबसे बड़ी संस्कृत की ही है, जो अपने अनुभव से मैं देखता हूँ कि पंडित जी क्या करा रहे हैं पंडित जी को नहीं पता। बिल्कुल। यजमान की तो छोड़ दीजिए, वो तो संस्कृत क्या है हिंदी भी सही से नहीं जानते हैं आजकल के लोग। या ऐसा बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है कि हनुमान चालीसा का अर्थ हिंदी में बता दीजिए, अब वो भी हिंदी है। सही बात है। तो ये थोड़ा सा आश्चर्य के विषय हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत से उपसर्ग हैं। और फिर अगर हम सामाजिक और पारिवारिक रूप में आए तो हमारे बालकों का जो जैसे जन्मदिवस है, विवाह की वर्षगांठ है और गृह प्रवेश है, कोई भी उत्सव हम खुशी मनाने का। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा, ठीक है सभी करते हैं, अगर संभव हो तो हमारे जीवन से जितने भी संबंधित पुण्य महोत्सव हैं उनको अगर हम भारतीय कैलेंडर के हिसाब से तिथियों के अनुसार मनाएं तो उसका लाभ हम अधिक ले सकेंगे, बशर्ते हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चलें। सही बात। इस विषय में फिर कभी विस्तार से जरूर आपके साथ बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी ने जाना और पंडित जी ने तो देखो बहुत बड़ा चीज आपको बताई है, और ये बड़ी हमें लग रही है, मैं ये कहूंगा आज से, आज हमारी दादी माँ हैं जिनकी उम्र जो है अगर 90 वर्ष भी है, अभी हमारे पड़ोस में ही थे उनकी कल, वो बता रहे थे कि उनकी दादी माँ की उम्र जो है अभी 95 वर्ष तक हो गई है और आज भी वो एकादशी के व्रत रख रही हैं। बिल्कुल। तो आज से 20-25 साल पहले शायद ही कोई घर ऐसा होता था हिंदू परिवार जहाँ पर एकादशी का व्रत ना रखा जाता, महिलाओं के लिए तो ये एक तरह का मैंडेटरी हो जाता था, एकादशी प्रदोष जो है। और आप ये समझिए कि आज के समय के अंदर एकादशी तो बहुत दूर की बात है, जो मेन एक श्राद्ध कर्म है जो पूरे साल में केवल 15 दिन के लिए जो होने वाला है, उसका ज्ञान भी हमारे बच्चों में लुप्त हो चुका है, वो नहीं है। और श्राद्ध करते क्यों हैं, किसके लिए करते हैं, क्या उसका फायदा, क्या चीज है, किसी को हमें ज्ञान नहीं है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि धार्मिक ये जो पतन हमारे समाज के अंदर हो रहा है इसको मिलकर हटाने की कोशिश करें। जिन घरों के अंदर नियमित रूप से पूजन, जैसे पंडित जी ने बताया, मैं बाकी सारी चीजों की तो इन्होंने तो आपको पूरा कैलेंडर बताया जब हमारे घर में पूजन होने चाहिए, एक बच्चों के जन्मदिवस पर ये जो हमने नया कल्चर शुरू कर दिया है केक काटने का और सब हुड़गन मचाने का जो हमने कार्य कर दिया है, इससे कम से कम अपने घर में यज्ञ हवन करें जन्मदिन पर, माता जी जो है अपने बच्चे के लिए खीर या हलवा बनाए कुछ इस तरह से। हाँ। ऐसी चीजों के बारे में विचार करना है, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे कि अपनी धर्म संस्कृति को बचाने के लिए कैसे परिवर्तन हमें अच्छे से हम कर सकते हैं। लेकिन बच्चों का जन्मदिवस हो गया, आपके विवाह की वर्षगांठ हो गई और गृह प्रवेश आपके घर के अंदर कभी इस तरह से होता है, अब सावन का महीना है, रुद्राभिषेक पूजन हमें करना है, बहुत घरों के अंदर ये जरूरी हो जाता है, दीपावली पूजन हर कोई हर अपने घर में करता है लेकिन उसको रेलेवेंस नहीं पता कि मंत्रों की क्या, कोई विधि विधान नहीं पता, कुछ भी नहीं जानकारी रहती। तो कम से कम जिनके घर में ये नियमित पूजन भी होने शुरू हो जाए उनके बच्चे धर्म संस्कृति से जुड़े रहेंगे, उनको ये नहीं रहेगा कि पता नहीं ये कौन सी नई चीजें जो हमारे घर में होनी शुरू हो रही है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, पंडित जी के सानिध्य में एक बहुत अच्छे हमें शिक्षक मिले हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हैं, आपने इनकी जो भाषा है और जो इनकी वाणी है उससे ही पता लगा लिया होगा कि ये कल को अगर घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाएंगे तो उससे कितना ज्ञान जो है हमारे परिवार को प्राप्त हो सकता है। और आप ही के मार्गदर्शन में ऐसे बच्चों को हम ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं जो ये सारे धार्मिक अनुष्ठान आगे बढ़ाएं, कम से कम दिल्ली एनसीआर के अंदर, क्योंकि मेन फोकस हम दिल्ली में ही बैठे हैं, दिल्ली एनसीआर में हमारी कोशिश रहेगी ज्यादा उच्च पद्धति से करे गए इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान आपको भी लाभ करें और जो बच्चे लेकर आ रहे हैं इन सारी चीजों को उनके लिए भी बढ़िया चीज हो सके। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसको आपको तुरंत ज्वाइन करना चाहिए, इसमें पंडित जी जो है हर सीजन के हिसाब से बताया करेंगे कि अब कौन सी चीज आ रही है भारतीय पंचांग के अनुसार जिसमें हम कोई पूजन करवा सकते हैं, उन्हीं के हिसाब से जो इनके अंतर्गत जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा और वही जाके आपके घर के अंदर उच्च कोटि की उच्च पद्धति से करी गई जो पूजा याचना जो भी पूजा अर्चना है उनको ये पूरा कर पाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। पंडित जी का मोबाइल नंबर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि धर्म और संस्कृति को पैसे से हटाकर, पैसे पे फोकस हटाकर अगर एक दोबारा से सामंजस्य हम ले आए भारतीय संस्कृति का जो पहले हमारा एक कल्चर हुआ करता था। मुझे ध्यान में है जब हम रामायण महाभारत जब देखते हैं, मतलब गुरु द्रोणाचार्य ने बचपन से लेकर बड़े तक उनको पढ़ाते गए और कोई उनसे शुल्क नहीं लिया, जब बड़े हो जाते हैं तो वही दक्षिणा देगा जिसको उसका ज्ञान प्राप्त हुआ है, वही उसके योग्य, वही योग्य। और अब सोचिए कि अब हम स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो पहले पैसे पे कर देते हैं, शिक्षक का फोकस केवल अपनी जीविका के ऊपर रहता है, पढ़ाने का फोकस जो हमने खत्म कर दिया। तो कहीं हमारा जो सनातन धर्म है वो अर्थ आधारित शिक्षा पद्धति से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेना देना धर्म आधारित है, धर्म आधारित। हम पुरुषार्थ चतुष्टय में कहते हैं धर्म अर्थ, पहले धर्म है, धर्म के अनुसार अर्थ आएगा,
तो वो घर परिवार में शांति देगा, तभी संभव है। अब अर्थ हमने सबसे पहले रख के धर्म को छोड़ दिया तो अशांति का वो कारण भी बन रहा है। तो वाक्षी की तरफ से एक अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है और मुझे पूरा भरोसा है पंडित जी के मार्गदर्शन में, पंडित जी के सानिध्य में हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने में कामयाब हो पाएंगे। अपने घर में अगर दिल्ली एनसीआर में आप हैं, पहले हम दिल्ली एनसीआर से शुरू करेंगे और वहां पर अगर आप हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों की जो पंडित जी उसके अंदर आपको बताया करेंगे, काफी धर्म से रिलेटेड अच्छी जानकारियां उसमें प्राप्त होने वाली हैं। उनको अगर आप सुनेंगे, देखेंगे और अपने बच्चों को उस माहौल के अंदर बड़ा करेंगे तो कल को धर्म संस्कृति का पतन नहीं होगा और हम अपनी भारतीय संस्कृति को दोबारा पुनर्जीवित करने में कामयाब हो जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत वंदे मातरम।